Jai Gurudev, beta, in last period, I explained you about the measuring length. Okay, how to measure the length? How we will measure the small thing, and how we can measure the means according to that? What unit we will use for the measuring length? Beta, in today's class, I am going to explain you to convert the how to convert the meter into. सेंटीमीटर ओके एंड इन दिस चैप्टर ओनली अप टू वेयर इट विल कम टिल वी विल लर्न जहाँ तक हमने पढ़ा है वहीं तक का बस केवल आएगा ठीक है इस चैप्टर में से ठीक बेटा नाउ सी दैट वन मीटर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर ये कन्वर्ट करने के बाद में मैं आपको वो बताऊँगी एक बार न, उसका डिजन का रिवीजन भी करवाऊंगी ठीक है तो वन मीटर किसके बराबर होता है बेटा हंड्रेड सेंटीमीटर के बराबर होता है ठीक है तो जहाँ भी मीटर होगा वहाँ पर हम उसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा इस ग्रेटर मीटर इज अ ग्रेटर यूनिट सेंटीमीटर इज अ स्मॉल यूनिट तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे हंड्रेड से ओके फॉर कन्वर्टिंग मीटर To centimeter, we will multiply the num given number by 100, okay? See that, suppose in this question, 14 meter, convert the following into centimeter. How you will do, beta? 14, you just write it, okay? Write this, beta, 1 meter is equal to 100 centimeter, okay? Then, 14 meter you have to convert. राइट दैट फोर्टीन मीटर इज इक्वल टू फोर्टीन इन टू हंड्रेड एंड सिम्पली वॉट यू विइट फोर्टीन मंजा फोर्टीन एंड टू जीरो विल कम अलॉन्ग विद दिस इट कैन भी सिंपली इट कैन नाउ वॉट इट विल बिकम बेटा सेंटीमीटर क्या बन जाएगा ये सेंटीमीटर इट विल बिकम ओके सी दैट अगेन सिक्सटी सेवन मीटर तो अगेन राइट दैट ऑलवेज राइट फर्स्ट वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर ओके दैन इन नेक्स्ट लाइन यू विल राइट बेटा सिक्सटी सेवन मीटर इज इक्वल टू सिक्सटी सेवन इंटू हंड्रेड एंड इट वाट इट विल बिकम सेंटीमीटर ओके सो इट विल बिकम सिक्सटी सेवन हंड्रेड सेंटीमीटर सिक्सटी सेवन वन जर सिक्सटी सेवन और उसके आगे आप क्या कर देंगे दो जीरो लगा देंगे तो ये सिम्पली मतलब टेन हंड्रेड से मल्टीप्लीकेशन होता है इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की हमको ज़रूरत नहीं है ओके नाओ सी दैट फाइव सिक्सटी सेवन मीटर ओके अगेन राइट ऑलवेज राइट यूनिट फर्स्ट वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर ओके बेटा देन फाइव सिक्सटी सेवन मीटर इज इक्वल टू फाइव सिक्सटी सेवन और मल्टीप्लाइड बाइट बेटा हंड्रेड फाइव टी सिक्सटी सेवन वन जा फाइव सिक्सटी सेवन फिर अब उसके आगे कितने जीरो हैं टू जीरो राइट देन इट विल बिकम सेंटीमीटर सो दिस टू पार्ट यू विल डू योर ओके सो इन दिस वे दिस कन्वर्जन पार्ट कैन कम इन यूर एग्जाम कन्वर्जन पार्ट आपका आएगा कैसे यूनिट्स को वो करते हैं वो आएगा ठीक है वहाँ तक का आप पढ़ लेंगे अगेन सी दैट बेटा ना सेम वे वी वुड वी आर गोइंग टू लर्न ओके कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू सेंटीमीटर इनको आपको किस में करना है सेंटीमीटर में करना है ठीक है हेयर प्लेस इज गिवन टू यू हाउ यू विल डू दैट सी दैट बेटा थ्री मीटर और फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर है क्या है ये थ्री मीटर और फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर है कैसे करेंगे वन मीटर लिखो यहाँ पर वन मीटर इज इक्वल टू बेटा हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है आपको किसको किसको कन्वर्ट करना है सी दैट थ्री मीटर और फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर तो जो सेंटीमीटर है इन दैट यू विल नॉट डू एनी थिंग ओके जो सेंटीमीटर है उसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे ठीक है तो आप कहाँ करेंगे फिर आप केवल मीटर वाली यूनिट को करेंगे चेंज तो थ्री मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर और प्लस उसके साथ में कितने किसको ऐड कर देंगे आप फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर को ठीक है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख दो यहाँ अलग से लिख दे रही मैं देखो थ्री थ्री वन जा थ्री थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर और उसमें कितना ऐड करना है आपको फिफ्टी सिक्स तो यहाँ सिक्स लिखो यहाँ फाइव लिखो ये भी सेंटीमीटर है ऐड कर लो सिक्स फाइव और थ्री कितना हो गया ये थ्री फिफ्टी सिक्स सेंटी तो आपका आंसर कितना आया बेटा यहाँ लिख दो उसको थ्री फिफ्टी सिक्स सेंटी ओके सो इन दिस वे यू विल डू दैट अब फिर से देखो थ्री फोर्टी फाइव मीटर और सेवन सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में आप कुछ नहीं करेंगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर केवल मीटर वाले को आपको चेंज करना है तो आप यहाँ लिखो थ्री फोर्टी फाइव मीटर इजिक्वल टू थ्री फोर्टी फाइव मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है तो ये कितना हो जाएगा थ्री फोर्टी फाइव और ये जीरो जीरो सेंटीमीटर और उसमें कितना और आपको ऐड कर देना है प्लस सेवन उसमें कितना ऐड कर देना आपको प्लस सेवन और ऐड कर देना है ठीक है क्या करा थ्री फोर्टी फाइव मीटर इजिक्वल टू थ्री फोटी फाइव इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर हो गया ये तो थ्री फोर फाइव जीरो जीरो सेंटीमीटर और प्लस सेवन तो कितना आ जाएगा बेटा ये ऐड करेंगे आप तो अलग से आप ऐड करके यहाँ देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ सी दैट थ्री फोर फाइव जीरो जीरो और प्लस कितना ऐड करना है इसमें सेवन यहाँ यूनिट प्लेस पे लिख देंगे ठीक है सब क्या है ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर राइट इट जीरो फाइव फोर थ्री थ्री फोर फाइव जीरो सेवन सेंटी तो इसको लिख दो यहाँ पर थ्री फोर फाइव जीरो सेवन सेंटीमीटर यहाँ आपका आंसर आ जाएगा सी फोर फाइव जीरो सेवन सेंटीमीटर इन दिस वे ओके सी दैट वन मोर सेंटीमीटर वाले पार्ट में नथिंग यू विल डू सो टू हंड्रेड मीटर राइट दैट बेटा इट इज़ ए पार्ट इट इज़ बी पार्ट नाउ कम टू द सी पार्ट ओके अब यहाँ देखो टू हंड्रेड मीटर तो वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर अब क्या करोगे टू हंड्रेड मीटर इक्वल टू आपको जिसको चेंज करना है उसको लिखो टू हंड्रेड मीटर इक्वल टू ठीक है टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड कितना हो जाएगा टू वन या टू अब पहले इसके दो जीरो यहाँ लगाओ फिर इसके भी दो जीरो लगाओ इतने सेंटीमीटर हो गए इसमें आपको कितना ऐड करना है थर्टी फोर अब यहाँ देखते हैं अब इसको अलग से करते हैं ठीक है कितने आए थे यहाँ लिख दो यहाँ पर जो भी आया आपका टू के आगे गया फोर टाइम्स जीरो आए ठीक है टू वन टू थ्री फोर ये इतने सेंटीमीटर आए हैं इसी पार्ट में अब प्लस कितना ऐड करना है आप में इसमें थर्टी फोर और ऐड करना है यहाँ देखो ना प्लस थर्टी फोर है प्लस थर्टी फोर सेंटीमीटर तो अब इसमें थर्टी फोर को ऐड और ऐड करो फोर थ्री थर्टी फोर सेंटीमीटर ऐड कर दो बेटा फोर थ्री जीरो जीरो टू कितना आया टू जीरो जीरो थ्री फोर सेंटीमीटर कितना आया बेटा टू जीरो जीरो थ्री फोर सेंटीमीटर अब इसमें लिख दो आप प्लस थर्टी फोर प्लस यहाँ भी लिख दो यहाँ पे भी कर लो उसको एक बार है ना सो दैट यू मे अंडरस्टैंड अब ऐड कर दो फोर थ्री जीरो जीरो टू सेंटीमीटर ओके सो राइट इन योर आंसर हियर ऑल्सो टू जीरो जीरो थ्री फोर सेंटीमीटर सो इन दिस वे यू विल डू बेटा इट इज़ वेरी सिंपल सो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ओके इफ़ यू विल सी द सीरियसली यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन ओके बेटा नाउ कम टू द डी पार्ट यहाँ भी आप देखो आप ये देखो कि पहले आपको करना क्या है देखो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है आपको भी आंसर सेंटीमीटर में चाहिए है सो यू विल नॉट डू एनी चेंज हेयर ओके सो वेयर यू कैन डू द चेंजेस हेयर ओनली इन मीटर Now, see that beta d part, 1 meter is equal to 100 centimeter. Always write this, then you will not have any problem. So, which you have convert? 23 meter, okay. So, 23 meter is equal to beta, 23 or into 100. So, what, what it will become? 2300 centimeter, 2300 centimeter, okay. It will become 2300, 23 into 100, 2300 centimeter up to here it is clear now what you have to add in this beta plus 67 centimeter so plus right under it 67 see that 67 centimeter so add them now beta 7 6 3 2 2 3 6 7 centimeter so what will be your answer beta write this answer here now 2 3 6 7 सेंटीमीटर, सी दैट हाउ आई एम डूइंग ओके नाउ सी दैट बेटा अलोंग विद दिस ओके नेक्स्ट पार्ट इज ई पार्ट इन ई पार्ट वॉट यू हैव टू गिवन टू सिक्सटी सेवन मीटर और फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर सो यू विल नॉट डू एनी चेंज हि इसको हम एज इट इज़ एड कर देंगे कन्वर्ट मीटर इं टू सेंटीमीटर सो सी दैट इन ई पार्ट हाउ यू विल डू वन मीटर इज इक्वल टू बेटा हंड्रेड सेंटीमीटर अब आप वो लिख लो जिसको आपको चेंज करना है सो टू सिक्सटी सेवन मीटर इज इक्वल टू टू सिक्सटी सेवन इंटू हंड्रेड ओके सो इट विल क्यों करा हमने क्योंकि एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर टू तो सिक्सटी सेवन मीटर में कितने होंगे टू सिक्सटी सेवन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको हंड्रेड से सेंटीमीटर ओके अब कितना हो जाएगा बेटा ये टू सिक्स सेवन जीरो जीरो सेंटीमीटर और इसमें आपको और क्या ऐड करना है देखो इसमें आपको ऐड करना है फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर तो ठीक उसके नीचे अब आप क्या लिख दो फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर लिख दो ठीक है उसके नीचे आप क्या लिख दो एग्जैक्टली 56 centimeter. Add them now beta 6 here 5 here 7 here 6 and 2. What what it will become beta 2 6 7 5 centimeter. Right your answer now 2 6 7 5 6 centimeter. As well as you will do the practice, all these will come in your

फर्स्ट राइट दैट वन मीटर इज इक्वल टू बेटा हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है अब आपको कितना करना है हंड्रेड मीटर को कन्वर्ट करना है ठीक तो है तो हंड्रेड मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड मीटर हंड्रेड है हंड्रेड को किससे मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमारे वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड तो आप इसको हंड्रेड को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करो ये क्या बन गए सेंटीमीटर अब कितने हो गए बेटा ये वन वन या वन वन के आगे कितने जीरो है दो जीरो इसके हैं टू जीरो इसके हैं फोर जीरो आएंगे ये सेंटीमीटर हो गया बेटा अब इसमें कितना ऐड करना है आपको ट्वेंटी थ्री मोर यू हैव टू ऐड है तो एट, ना ट्वेंटी थ्री मोर सो so, ना एग्जैक्टली अंडर इट राइट ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर ठीक है बच्चे ना सी दैट बेटा थ्री टू तो, जीरो जीरो, जीरो, जीरो वन तो व्हाट विल बी योर आंसर वन जीरो टू वन जीरो तू, जीरो टू थ्री सेंटीमीटर व्हाट विल बी योर आंसर बेटा वन जीरो, तू, जीरो, तू, जीरो 0, 2, 3 centimeter write it one zero zero two three centimeter so in this way we can do now i am not having enough because you are not given enough space to do so what i am going to do now further two part i am going to do in your one paper so you also do that okay and but some part you complete at least complete here as i have done so that इट विल बी रिमेन विद यू ओके नाउ सी दैट जी पार्ट आई एम गोइंग टू डू जी पार्ट इज़ दैट ठीक है जी पार्ट देखेंगे टू जीरो थ्री मीटर टू जीरो थ्री मीटर और फिफ्टी सेंटीमीटर ओके फिफ्टी सेंटी मीटर नाओ वॉट यू विल डू बेटा टू जीरो थ्री मीटर में फर्स्ट यू राइट दैट वन मीटर इज यू कल टू बेटा हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है अब आपको टू जीरो थ्री मीटर को कन्वर्ट करना है तो टू जीरो थ्री मीटर इज इक्वल टू तो बेटा टू जीरो थ्री मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड ना वॉट ये मीटर किस में कन्वर्ट हो चुका है सेंटीमीटर ठीक है अब व्हाट यू विल डू टू जीरो थ्री वन जा टू जीरो थ्री ठीक है टू जीरो थ्री वन जा बेटा टू जीरो थ्री ठीक है अब उसके आगे कितने जीरो लग जाएंगे हमारे टू मोर जीरो ये क्या बन गया आपका सेंटीमीटर ओके इट विल बी कम योर सेंटीमीटर ठीक अब आपको क्या करना है इसमें कितना और ऐड करना है आपको बेटा फिफ्टी सेंटीमीटर और ऐड करना है इसके ठीक है नीचे आप लिया क्या लिखो फिफ्टी और प्लस का साइन बना दो सेंटीमीटर देन ओके देन ऐड दैम जीरो हेयर फाइव थ्री जीरो एंड टू टू जीरो थ्री फाइव जीरो सेंटीमीटर सो इट विल बी योर आंसर ओके इट इज जी पार्ट नाउ राइट दैट वट फाइनल आंसर यू गॉट टू जीरो थ्री फाइव जीरो सेंटीमीटर टू जीरो थ्री फाइव जीरो सेंटीमीटर है ना सेंटीमीटर इज ऑलरेडी रिटर्न सो नो नीड टू राइट दैट बट बाई मिस्टेक आई हैव रिटर्न इट्स ओके दैन नो प्रॉब्लम ओके बेटा दैन आई एम कमिंग टू द एच पार्ट एच पार्ट में है ट्वेंटी वन मीटर और फोर्टी टू सेंटीमीटर इन एच पार्ट वी हैव ट्वेंटी वन मीटर और फोर्टी टू सेंटीमीटर हमको इसका आंसर लिखना है फाइनली वी वुड लाइक टू राइट इन सेंटीमीटर नो प्रॉब्लम सो यू विल नॉट टच दिस दैट्स वाई मोर एंड मोर आई एम रिपीटिंग बेटा इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि आपको किसको नहीं चेंज करना है ओनली मीटर यू हैव टू कन्वर्ट सो फर्स्ट राइट दैट वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर ओके देन राइट वॉट यू हैव टू कन्वर्ट ट्वेंटी वन मीटर इज इक्वल टू इज इक्वल टू बेटा ट्वेंटी वन इन हंड्रेड सेंटीमीटर ओके सो इट विल बिकम ट्वेंटी वन वन जा 2100 centimeter now add further because we have to write complete them 42 centimeter more so add them 42 centimeter also in it so what answer you will get beta? 2 4 1 or 2 2 1 4 2 centimeter so write that 2 1 4 2 centimeter here it will become 2 1 4 2 centimetre.

नाउ अलॉन्ग विद दिस बेटा आई एम रिवाइजिंग सम डिवीज़न पोर्सन ऑल्सो टू यू डिविज़न पोर्सन में एक बार फिर से आपको रिवाइज करके बता रही हूँ कि कैसे आपको डिविजन करने हैं ओके सो दैट द चिल्ड्रन दोज हैव नॉट सीन प्रिवियसली दे कैन सी दैट ऑल्सो बिकॉज फिफ्थ एंड सिक्स यूनिट इज कमिंग एंड सिक्स यूनिट आपको वहीं तक पूछी जाएगी जहाँ तक हम आपको करवा रहे हैं ठीक है बेटा सपोज ये है आपका क्वेश्चन टिमेंडर ओके सी दैट पेज नंबर वन वन सेवन में आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर वाले कुछ क्वेश्चन है मैं उनको रिवाइज करके एक बार आपको बता रही हूँ हर तरह के पैटर्न की मैं आपसे डिस्कस करूँगी रिविज़न में कि कैसे कैसे हम लोगों ने किया था हाउ वी हैव डन ओके सी दैट बेटा थ्री फोर्टी एट को हमको डिवाइड करना है किस से फोर से ओके okay? सबसे पहले तो हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं इस तरीके का साइन होता है दिस इज द साइन ऑफ डिविजन ओके okay. यहां पर जो होता है वो आपका बेटा दैट इज डिवाइजर हियर इट इज डिविडेंड वट एवर आंसर वी आर गेटिंग दैट इज क्वेश्चन एंड इफ समथिंग वी आर आफ्टर डिविजन इज रिमेनिंग दैट इज नोन एज द रिमेंडर ये हमारा डिविजन का प्रोसेस आफ्टर दैट नॉट ओनली दिस मच If you would like one more formula, if I would like to get this, then we have dividend is equal to hota beta divisor into quotient a plus remainder r लिख लेते हैं हम उसको simply okay इतना आपको याद रखना है आप देखो हमको इसमें क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है थ्री फोर्टी एट को हमको किस से डिवाइड करना है फोर से सी दैट नाउ थ्री फोर्टी एट को हमको फोर से डिवाइड करना है ठीक है कैसे करोगे थ्री जो है जिसमें आपको डिवाइड करना है थ्री जो है दैट इज लेस देन फोर जिसमें आप डिवाइड करते हैं ना बेटा वो नंबर बड़ा होना चाहिए या बराबर का होना चाहिए ओके सो यू इफ यू विल सी थ्री इज स्मॉलर देन फोर सो इन थ्री वी कैन नॉट डू द डिवीजन यू विल टेक थर्टी फोर आप थर्टी फोर ले लेंगे थर्टी फोर में आप किसकी आप फोर की टेबल को आप थर्टी फोर के नज़दीक तक पढ़ो फोर सेवन जा ट्वेंटी एट ओके फोर एट जा थर्टी टू एट जा फिर फोर नाइन जा थर्टी सिक्स वो ज़्यादा हो जाएगा थर्टी फोर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फोर एट जा थर्टी टू सब करो फोर माइनस टू टू थ्री माइनस थ्री जीरो ये नीचे आएगा एट फोर सेवन जा बेटा ट्वेंटी एट ओके ट्वेंटी एट हो गया ठीक अब क्या करेंगे सब कर दो एट माइनस एट जीरो टू माइनस टू जीरो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हुआ आंसर आपका ये अब आपको कोशेंट और रिमाइंडर मालूम करना था ये आपका जो हम, ये हमने आपको यहाँ बताया था कि दैट विल बी कोशेंट वट एवर आप्टर डिवीजन यू आर गेटिंग तो वट विल बी आवर कोशेंट बेटा कोशेंट इज इक्वल टू इन शॉर्टली वी आर राइटिंग क्यू क्यू इज इक्वल टू बेटा एटी सेवन रिमेंडर समथिंग इज रिमेन नो सो रिमेंडर विल बी बेटा जीरो सो इन दिस वे वी आर गेटिंग द आंसर ओके वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू नाउ इन टूडे इज क्लास आफ्टर वट्स वॉट यू विल डू यू विल रिवाइज द क्वेश्चन लाइक दैट आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इन पेज नंबर वन वन सेवन सो यू कैन रिवाइज दैट ओके इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चन ऑल्सो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ओके वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू सेवन फिफ्टी एट सेवन ऑल दीज आर योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन डिवाइडेड बाई फाइव आप फाइव से डिवाइड करेंगे ओके सो वॉट यू विल डू बेटा फाइव में सेवन इज ग्रेटर दैन फाइव सो डिविजन इज पॉसिबल पर फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन सेवन से ज़्यादा हो जाएगा कितनी बार जाएगा फाइव वन जा फाइव सेवन माइनस फाइव बेटा टू ब्रिंग डाउन नाउ फाइव अब क्या करोगे आप नीचे नीचे क्या करोगे आप फाइव को ले आओगे ठीक है फाइव फाइव जा कितना होता है बेटा फाइव की टेबल में ट्वेंटी फाइव आता है कितनी बार आता है ट्वेंटी फाइव 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 जा ट्वेंटी फाइव ठीक है नथिंग विल रिमेन नाउ नाउ ब्रिंग डाउन एट ओके अब एट इज ग्रेटर देन फाइव सो डिविजन इज पॉसिबल सो फाइव जा फाइव बन जा बेटा फाइव ओके फाइव बन जा फाइव एट माइनस फाइव बेटा कितना हुआ थ्री एट माइनस फाइव इज थ्री ओके सो एट माइनस फाइव इज इट इट इज थ्री सो वॉट यू विल हैव नाउ ना फाइव थ्री इज स्मॉलर देन फाइव थ्री जो है वो फाइव से छोटा है तो अभी आपका क्या हो जाएगा बेटा रिमाइंडर हो जाएगा ना राइट फाइनली वॉट आंसर यू गॉट क्वेश्चन क्यू क्यू इज़ इक्वल टू वन फिफ्टी वन रिमाइंडर इज इक्वल टू बेटा थ्री सो इन आफ्टर सीइंग दिस वीडियो ओके वॉट यू विल डू फर्स्ट यू विल कम्प्लीट दैट मेजरिंग लेंथ ना टिल दे आर आई हैव कम्प्लीटेड और आफ्टर वर्ट्स वॉट यू विल डू बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है उनका रिविजन करेंगे ओके एंड देन इन नेक्स्ट क्लास आई विल teach you some more kind of questions i will revise them okay till that beta thank you and jagurdev to all of you